एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है पंजाब दे विच, मानजोग मुख्यमंत्री साहब के हुक्मानुसार और डी जी साहब के दिशा निर्देश दे विच, उस सानू अज बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है। साडी जिहड़ी स्पैशल यूनिट हैगी है बठिंडे दे विच, उन्हां दे इंचार्ज डी एस पी साहब विक्रम बराड़ जी, हरदविंदर जी सब इंस्पैक्टर और इन्हें टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इस असी तीन मेन गैंगस्टर फड़े ने और उन्होंने तो चार पिस्टल बरामद किए ने और एक कार भी नाल कार्ट्रिजेस ने। यह जो सारे गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाल इन्हों का तालमेल है, उन्होंने मैंबर ने और गोल्डी बराड़ जिहड़ा कैनेडा दे विच बैठा है वो इन्हों हैंडल कर रहा है, इन्होंने मेन हैंडलर है इस वेले। और ये तीनों इन्हों पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और वैपन तो अलावा क्राइम तो अलावा ये ड्रग ट्रेड दे विच भी हिस्सा लेंदे है। और इस तो अलावा जिहड़ा NCR नैशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आस पास उत्थे जिहड़ा गैंग वॉर से गैंगस्टर चलते हैं, उन्हां चों भी एक मेन गैंगस्टर जिहड़ा पिछे दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन सैल ने फड़िया शाहरुख, उहदी भी हाइड आउट इन्हां कोल सीगी। ये जिहड़े तीनों असी क्रिमिनल अरैसट किए है, इहदा हैगे लवप्रीत एलियस सचिन, ये मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और हिम्मतवीर गिल ये मलोट के कोल डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर दे विच हैगा पिंड। तीसरा है बलकरन एलियस विक्की, ये भी डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर बिलोंग करते हैं। मुढ़ली पुछगिछ तो सानूं पता लग्या कि जिहड़े चार वैपन ने बड़े सोफिस्टिकेटेड वैपन ने, उस चों 0.30 पिस्टल दो और 0.32 पिस्टल ये भी दो, सो चार ये वैपन इन्होंने प्रोक्योर किए थे, नाल भी कार्ट्रिजेस और I-20 कार जिहड़ी फड़ी गई है, ये सारी इन्होंने वरतनी सी एक्सटॉर्शन वास्ते और क्राइम करने वास्ते और ड्रग्स की समगलिंग वास्ते। सो ये एक इंपोर्टेड पिस्टल भी है। मुढ़ली पुछगिछ तो यह पता लग्या कि जिहड़े तीनों जने ने अपने हैंडलर गोल्डी बराड़ ते जिहड़ा लॉरेंस दे ब्रदर हैगा मुंडा अनमोल, उहदी डायरेक्शन दे उत्ते इन्होंने एक एक्सटॉर्शन करनी सी और एक टारगेट करना सी मालवा रीजन दे एक बिजनेसमैन नूं, उन्हें पहला भी एक्सटॉर्शन कॉल्स कीतियां और उस तो बाद उहदे उत्ते जाके उन्हें होर ड्रॉन वास्ते फायरिंग वगैरह करन दा इन्हां दा प्लैन सी, क्योंकि अज सवेरे इह जिहड़ा फड़े गए ने अर्ली मॉर्निंग सिविल लाइन बठिंडा दे विच FIR दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन